बंदा बंदी यार, चाहे बंदे बंदे यार, चाहे बंदी बंदी यार, मिल चुका के करूंगा मसल्ला। नहीं तुम भी भाई हो यार। एनएस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं निश शुक्ला और मेरे बगल में है बहुत पुराना मेरा दोस्त बाबा, और सामने मेरा एक दोस्त है ईशान यादव। भाई है ये तो अपना, क्या ही बोले। नहीं तुम भी भाई हो यार, मेरी जान यार, क्या चल रहा है यार। ये सुनो, दूसरे देश का खीरा है ना, ये चावल ले लिया यार मेरे मिसेस ने। सुनो तो ये क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? मसल्लम ये तो मटन है, मटन मंडी। चॉप चॉप कर रहा है। रुको यार मैं थंबनेल बनाऊं, रुको। तो भाई मैंने वेज में मंगाया था पनीर मंडी मंगाया था मैंने, नहीं मंगाया जिंदा दल, और अभी ये वही खा रहा है। ये अपना पूरा नॉन वेज वाला खा के वेज भी खा रहा है। मटन मंडी वाले लेकिन कम पड़ गया, तो हम लोग निकले पनीर मंडी के साथ, वो करके कंपनसेट कर लेंगे। हाँ चल रहे, लेके चलेंगे। हाँ तो छोड़े मर जाना है एक दिन कपूरथला पे। मजा आ गई, बस नहीं परेशान हो गया, मजा आ गई भाई हम लोगों को। और मैं इसका धन्यवाद मिल चुका के करूंगा इसे भाई से। बिल कह रहे कपूर थाला पे मैं यार आ रहा है यार। भाई ये खाना बहुत महंगा पड़ गया हमको। हाँ तो ये बड़ी वाली थाली 5,000 की पड़ी। अफोर्डेबल खाना मिलता है, बढ़िया खाना मिलता है, टेस्टी खाना मिलता है, अच्छे रेट पे मिलता है। वेज हो चाहे नॉन वेज, खासकर ये भैया ने सर्विस दी, बिल करा दीजिए आप। और मजाक सेट के भाई, सही में बहुत बढ़िया खाना था। डब्लू आप तो वेज खाओ, पनीर मंडी तो आज तो चलो मजा आई। मैं ऐसे बाबा से बात कर रहा था, तो जब बोर्ड के ऊपर चला था ईशान हम लोग को पढ़ाता था, मतलब हम लोग पढ़ने बेकार थे तो बताओ सुलो दिन जा। और पढ़ने में ईशान बढ़िया था, माइंडसेट मैं आगे का ये क्या ये पढ़ा रहा हमको बाबा, और हम लोग का पढ़ने का मन होता नहीं था। तो हम बाबा कुछ बहाना बताते थे, हमें सुसु करके आते, तो हम लोग नीचे जाते सुसु करने, तो तब रेलवे ट्रैक पे। तो अप्रैल वही मार्च अप्रैल का महीना था जब बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तो मौसम बहुत गर्म, और जो पेड़ नहीं था जो दीवार की बाउंड्री के पास पेड़, उसमें इतनी अच्छी हवा, और मैं बाबा बैठने में कहूँ बाबा यार अब पढ़ने का मन नहीं करता, सोचा एक दो घंटा ही बैठे। पानी डाल के मारो खत्म हो जाए। प्लेन कोल्ड कॉफी भी अच्छी थी, ये इसका भी तारीफ करता हूँ, बढ़िया थी। जैसे कि मैं कहता हूँ अगर कोई रेस्टोरेंट खराब कोल्ड कॉफी बनाता है तो उससे वाहियात चीज कोई हो नहीं सकती। कहते हैं कि एक मेरे फ्रेंड ने कहा है कि आप कोल्ड कॉफी खराब कर कैसे सकते हो, क्योंकि सबसे इजी है। हाँ क्योंकि सबसे इजी नहीं है, बट ये बेसिक है भाई, कोई आ रहा है तो यही पिएगा, चाहे बंदा बंदी आ, चाहे बंदे बंदे आ, चाहे बंदी बंदी आ, यही डिमांड। लिटरली कॉफी तो अच्छी भाई, कॉस्ट एफिशिएंट 114 रुपए कॉफी, और क्या लोग है यार बरखास्त में बैठ, गलत तो नहीं कर रहा बड़े भाई। चलो नीचे 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 बटर स्टोरी, नीचे बटर स्टोरी 180 के। चलो बरखास्त, चलो भाई बरखास्त कर रहे हैं। ये बरखास्त की मीनिंग क्या होती है? वेस्ट इंडीज, इंडो वेस्ट, वो कहां है, अरबिक, वेस्ट इंडीज, अरे इसकी वैल्यू कैसे हटा, ऐसे हटा दी इसने ना, डर गया बढ़ गई। वेस्ट इंडीज आके भी तीन, अरे तो मेरे साथ भी वेस्ट इंडीज है। अरे यार ये छोटी मोटी बात के लिए जैन भाई कहाँ कह रहा है, साले हरामी फंसा दी, कितने का है बिल। तो अभी हमारे बीच में सबसे बड़े माफिया आने वाले हैं, आ रहे टुंडे कबाबी में से, नहीं टुंडे में नुक्कड़ में, नुक्कड़ में देख सकते हैं आप, बड़ी मूछों को एकदम फोकस है हर बाबा, मूछ से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अंकल के सामने नहीं बस होता ये है, अब कर लेता है वैक्स लगाने के बाद, दिखाना भाई कैसा हो जाता है। हाँ राइट वाली बहुत तगड़ी हुई है भाई, लेफ्ट वाली थोड़ी जी मुड़ नहीं रही है। हाँ ज़्यादा लग गया वैक्स, यूं सर हल्का सा और चढ़ जाए ना एकदम, बस दिखा दूंगा हटके जाए। हाँ ऐसे वो क्या नाम है यार, कौन सा हीरो था
अरे जो कुश्ती लड़ता था कभी हारा नहीं, अरे वो यार बहुत हट्टा कट्टा था, बहुत पुराना था, दारा सिंह। हाँ दारा सिंह वाली मूछ है। फक कर डब्लू भाई आ चुके हैं हमारे, और ये ना अब हम लोग अब हम तीनों भाई जा रहे हैं तेजाब में। तो एक बार अरबा भाई थे, कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग? गोरे लग रहा है, सनस्क्रीन लगा निकल क्या? सच बताना, सनस्क्रीन अभी तक आई कहाँ ऑर्डर? अरबा भाई तुम सनस्क्रीन लगाया? कुछ नहीं लगाया भाई, तुम्हें लगाने की जरूरत भी क्यों भाई, चार चक्के में चल रहे हो। अच्छा पैसा दे रहे हो? अरबा भाई ड्राइवर बोले चली गई। गोरे लग रहा भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो क्यों लग रहा हूँ, चारों तरफ से लाइट आ रही है तुम्हारे चेहरे पे। गोरे नहीं मतलब सांवले लग रहे हो, ऐसे धूप में काले दिखते हो।